Hey everyone, this is Neha Gupta Recipes Channel और आज हम सीखेंगे मसाला आटा मठरी बनाना बहुत ही सिंपल वे में। एक बार इसे आप बना लोगे तो 15 से 20 दिन तक रख के खा सकते हो। शाम की चाय के साथ या फिर छोटी मोटी भूख में भी आप इसे खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। मसाला आटा मठरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 3 कप होल व्हीट फ्लावर, यानी कि गेहूं का आटा जिससे हम रोटियां बनाते हैं। किसी भी कप या कटोरी से आप मेज़रमेंट कर सकते हो। इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून ऑयल या फिर आप 1/4 कप ऑयल भी डाल सकते हो। और इसमें स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे या फिर आप 1 चम्मच डाल सकते हो। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मोयम हम इसलिए डालते हैं ताकि जो मठरी है वो खस्ता बने और क्रिस्पी बने। बस इन्हें सभी को अच्छे से पहले हमें मिक्स करना है और मोयम को हम चेक कर लेंगे। अगर ये आटा इस तरह से होल्ड कर रहा है, इसमें परफेक्ट है। इसमें हम हरी धनिया डालेंगे कटे हुए लगभग 1 मुट्ठी, और साथ में चिली फ्लेक्स, जो लाल मिर्च होता है उसे मैंने बारीक पीस लिया है, कलौंजी यानी कि अनियन सीड्स और अजवाइन। मसाले भी आप देख रहे हो, मैंने कुछ भी वैसे मसाले नहीं डाले जो हमारे घर पे नहीं होते हैं। ये सारे मसाले जनरली हम सभी के घर पे होते ही हैं। आप हरी धनिया के जगह पे कसूरी मेथी भी डाल सकते हो या फिर आप कसूरी मेथी को भी इसमें ऐड कर सकते हो, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। लाल मिर्च नहीं है तो आप उसके जगह पे हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हो। बस इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इससे जो मठरी बनेगी ना बहुत ही टेस्टी बनती है। सारी मसाले इसमें मिक्स हो जाते हैं और बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है। और इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक आटा गूंथ लेंगे। एक बार में ही पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा आटा पानी डालेंगे और आटा बिल्कुल हमें नर्म सा लगा लेना है। लेकिन जो हम रोटी के लिए जैसा आटा बनाते हैं ना, बिल्कुल सॉफ्ट उतना नहीं बनाना है, उससे थोड़ा सा आटा हार्ड रहेगा। लेकिन जो कचौड़ी के लिए आटा बनाते हैं ना, उससे थोड़ा नरम रहेगा। तो जैसा आप देख रहे हो, ये मैंने आटा गूंथ के तैयार कर लिया है। अच्छे से मैश करते हुए हमें आटा लगा लेना है और बस परफेक्ट आटा बन गया है। इससे मुझे यही कप से मुझे 3/4 लगा था, यानी कि 1 कप से थोड़ा कम पानी में ये आटा अच्छे से गूंथ गया है। अब चलिए इसकी लोइयां बनाने स्टार्ट करते हैं। तो इक्वल साइज़ की आप लोइयां बना लें इसकी, थोड़ा 19-20 भी रहेगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोई हम लेंगे, उसे आटे में इस तरह से डस्ट कर लेंगे। आप चाहो तो काउंटर में भी थोड़ा आटा डस्ट कर सकते हो। और इसे हमें बेल लेना है रोटी से पतला, बड़ी सी रोटी के आकार का इसे हम बेल लेंगे, लेकिन थोड़ा पतला रहेगा। तो हल्के हाथों से इसे आप बेल लें, बहुत ही आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता इसे बेलने में, आप आसानी से बना सकते हो। बहुत ही कम टाइम में ढेर सारी मठरी बन के तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, आपने इसका थिकनेस भी देखा, रोटी से ये थोड़ी पतली है। इसी तरह से हम दूसरा भी लोई ले लेंगे और उसे भी सेम वे में बेल लेंगे। तो ये भी मैंने बेल लिया है और ये देखिए, दो मैंने पहले से बेल के रखा है। अब हमें क्या करना है, ये जो लास्ट वाला जो मैंने बेला है ना, इसके ऊपर हम ब्रश से घी लगा देंगे। ब्रश से या हाथों से आप घी लगा सकते हो इसके ऊपर, और ऊपर से एक रोटी हम इसके ऊपर चिपका देंगे। फिर से इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। घी हाँ लगाना यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हम मठरी बना रहे हैं ना, वो लेयर्ड मठरी है, उसके अंदर रिंग्स जैसे आपको नज़र आएंगे। तो इस तरह से अगर हम इसके ऊपर घी लगाएंगे ना, तो मठरी जो है वो काफ़ी क्रिस्पी बनती है और लेयर्स बहुत अच्छे आते हैं। तो बस इसे हमें हल्के हाथों से इस तरह से मोड़ लेना है, रोल कर लेना है और हल्का हल्के हाथों से इसे दबा लेना है ताकि अच्छे से ये चिपक जाए। नाइफ़ के हेल्प से इसे हम सेंटर से कट कर लेंगे और उसके बाद जिसके साइड है ना अनइवन है, तो उसे भी हम कट करके निकाल लेंगे। और इक्वल साइज़ में इसे हम इस तरह से थोड़ा गैप करते हुए कट कर लेंगे, जैसा आप देख रहे हो वीडियो में।
आटा अगर बहुत गीला हो जाएगा तो इस तरह का सेप नहीं आ पाएगा, इसलिए आटा हमें बहुत सख्त या बहुत नरम नहीं लगाना है। तो ये देखिए इसमें रिंग्स नज़र आ रहे हैं, कैमरे में अच्छे से नहीं दिख रहा है। ये जब अच्छे से डीप फ्राई होगा ना तो बहुत ही अच्छा लेयर आता है और बहुत ही क्रिस्पी लगता है खाने में। तो इसे बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है, बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है हमें इसे, नहीं तो अगर आप बहुत ज़्यादा बेल दोगे तो इसके जो लेयर्स है ना वो चले जाएंगे, वो दिखाई नहीं देंगे। इसमें मठरी जैसा होता है ना, थोड़ा मोटा सा, बहुत पतला नहीं बेलना है हमें, थोड़ा मोटा ही बेलना है, तो बहुत ही अच्छा बनेगा ये। ये देखिए ये मैंने सारे बेल लिए हैं, ये एक बैच है, इसे मैं आपको पहले डीप फ्राई करके दिखाती हूँ। तेल हल्का मीडियम गर्म होना चाहिए, ना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म और ना ही हल्का गर्म। फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे और इस तरह से देखिए तेल में हम डालेंगे। आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लगभग 6 से 7 आप जितना ऑयल ले रहे हो उस हिसाब से इसमें डाल सकते हो। और थोड़ा इसे पहले कुक हो जाने देंगे हम, फ्लेम मीडियम में ही रखें, मीडियम टू लो में ही रखें, तो जो मठरी है ना वो बहुत अच्छे से सिकेगी, अंदर तक क्रिस्पी होगी। और आपको इसमें धीरे धीरे जैसे जैसे ये गोल्डन कलर की होती जाएंगी ना, इसमें लेयर्स नज़र आने लगेंगे। ये देखिए आप खुद ही देख रहे हो ना कैसे लेयर्स के निकल के आ रहे हैं। बस मीडियम टू लो फ्लेम में इसे हमें इसी तरह से हल्का गोल्डन होने तक डीप फ्राई करना है, ताकि ये क्रिस्पी भी हो जाए और अच्छे से सिक जाए। ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कितने अच्छे लेयर्स आए हैं और बहुत ही क्रिस्पी दिख रही है, ये बहुत टेस्टी भी लग रही है और एकदम मज़ेदार स्नैक्स की रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है मिनटों में। ना ही ज़्यादा मेहनत है, ना ही बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, झटपट सा बन जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो ये देखिए मैंने इतने सारे जो मठरी है वो बना के रेडी कर चुके हैं। आप इसे पहले से बना करके रख सकते हो, 15 से 20 दिन तक कुछ भी नहीं होता है, आराम से आप खा सकते हो। और इसके लेयर्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं और एकदम क्रिस्पी बने हैं। इस तरह के और भी मज़ेदार स्नैक्स और ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस बगल में जो बेल आइकन है ना उसे ज़रूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियोस लेके आऊँ आपको मिले नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए इसे मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए है ना बिल्कुल करारे, देखिए कैसे अलग अलग हो गया ना, ये बिल्कुल करारे है। अगर बिल्कुल भी ये सॉफ्ट होते ना तो इस तरह से नहीं टूटते, बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार दिख रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे फेसबुक पेज इंस्टाग्राम में भी ज़रूर फॉलो करें मेरे पर्सनल अपडेट्स के लिए, साथ में रेसिपीज़ के लिए भी। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।